नमस्कार, मैं हूँ विकास ठेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे मुगल कालीन चित्रकला। चित्रकला के कई अलग अलग दौर रहे हैं और उन दौरों ने उस वंश को ऐतिहासिकता प्रदान की। मुगल काल अपने स्थापत्य कला के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ वो अपनी चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। मुगल दौर में सर्वाधिक चित्रकला के विकास में अकबर और जहांगीर का योगदान रहा है। इन पिता पुत्र ने मिलकर मुगल काल में वो चित्रकला का विकास दिया जो मुगल काल के किसी और शासक ने नहीं दिया। मुगल काल में चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ। बाबर और हुमायूं चित्रकला के प्रेमी थे, किंतु उनके समय में चित्रकला का अधिक विकास नहीं हो पाया क्योंकि इनका खुद विकास नहीं हो पाया और छोटे छोटे कार्यकाल में ही ये निपट गए। अकबर के काल में चित्रकला को बड़ा प्रोत्साहन मिला। अबुल फजल लिखता है, प्रति सप्ताह श्रेष्ठ चित्रकारों की कृतियाँ बादशाह के सम्मुख उपस्थित की जाती थी, जिसे देखकर वह चित्रकारों को योग्यता अनुसार पारितोषिक यानी कि इनाम देता था। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के कारण हिंदू तथा फारसी दोनों ही चित्रकलाओं की प्रगति हमें देखने को मिलती है। दोनों कलाओं के मिश्रण से एक नई शैली का जन्म हुआ जो मुगल शैली कहलाती है, यानी कि हिंदू और फारसी शैलियों के संगम से मुगल कला शैली का जन्म होता है। अकबर के समय पर लगभग 100 चित्रकार तो उच्च कोटि के थे, छोटे मोटे चित्रकारों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अकबर ने चित्रकला को एक बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया था। उनके मुख्य चित्रकारों में अबू समद, मीर सैयद अली, फारूक बेग, बसावन दसवंत और सावल दास, ताराचंद तथा जगन्नाथ आदि प्रसिद्ध थे। जहांगीर के काल में चित्रकला की पराकाष्ठा पहुंच गई। जहांगीर को चित्रकला में विशेष रुचि थी। उसके दरबार में बहुत से चित्रकार रहा करते थे, जिसमें अबुल हसन और उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध थे। जहांगीर भी स्वयं चित्रकारी में काफ़ी निपुण था। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जहाँ तक मेरा संबंध है चित्रकला के प्रति, मेरा प्रेम और उसे परखने की निपुणता इस हद तक पहुँच गई है कि जब किन्हीं मृत अथवा आज के चित्रकारों का कोई चित्र बिना मुझे नाम बताए मेरे सामने लाया जाता है तो तुरंत ही बता देता हूँ कि यह चित्र किस व्यक्ति का है। यानी कि बिना चित्रकार का नाम जाने ही वह ये बता सकता था कि इस पेंटिंग को किस चित्रकार ने बनाया है। तो यहाँ पर जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण युग हमें देखने को मिलता है। मुगल काल में जहांगीर ने अपने महलों में चित्रों की कई गैलरियाँ बनवाई थी। उसके काल में बनी हुई इमारतों पर भी श्रेष्ठ चित्रकारी के नमूने आज भी विद्यमान हैं। इस काल की चित्रकला का मुख्य विषय प्रकृति सौंदर्य था। अधिकांश चित्रकारों ने भारतीय शैली पर ही चित्र बनाए थे। जहांगीर के काल के पश्चात यहाँ पर चित्रकला का पतन प्रारंभ हो जाता है। शाहजहां स्थापत्य कला का प्रेमी था, उसे चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। शाहजहां के काल में चित्रकला के जो नमूने मिलते हैं उनमें कल्पना शक्ति का अभाव देखने को मिलता है। बाहरी चमक दमक अधिक देखने को मिलती है, स्वाभाविक सौंदर्य का अभाव है। औरंगजेब तो धर्मांध व्यक्ति था और वो कलाओं का विरोधी था। उसने खुद अपने यहाँ के चित्रकारों और संगीतकारों को भगा दिया था, और उसके विषय में हमने ये भी सुना था कि जब संगीतकारों को उसने भगा दिया तो संगीतकार जनाजा निकाल रहे थे संगीत का, और उसने जब पूछा कि क्या कर रहे हो भाई, तो उसने कहा कि संगीत का देहांत हो गया है और हम उसे उसका जनाजा निकाल रहे हैं। तो औरंगजेब ने उनको जवाब दिया था कि उसे इतनी मिट्टी और उसकी कब्र में ऐसा गाड़ना कि वो दोबारा निकल ना सके। तो एक प्रकार से धर्मान व्यक्ति था और इस तरह की किसी भी कलाओं को ना तो प्रोत्साहन देता था और ना ही समझता था। अतः इसके काल में चित्रकला को प्रोत्साहन नहीं मिला। केवल अमीर लोगों ने अवश्य चित्रकला को अपने आवास गृह में स्थान दिया, किंतु इस काल में चित्रकला का कोई उल्लेखनीय उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है। मुगल काल में मनुष्य, पक्षी, शाही दरबार तथा प्राकृतिक सौंदर्य के ही चित्र बनाए जाते थे। मुगल चित्रकार प्राकृतिक तथा बने हुए रंगों का प्रयोग करते थे। चित्रकारी के लिए कागज, चमड़ा तथा कपड़े का प्रयोग किया जाता था। राजपूत राजाओं ने भी इस काल को संरक्षण दिया था। उसके काल में एक नई शैली का जन्म हुआ था जिसे राजपूत शैली के नाम से जाना जाता था। तो ये है इनकी मुगलकालीन चित्रकला।
जो कि अक्सर जो स्थापत्य कला है उससे ही जुड़कर ये टॉपिक है, लेकिन कई बार जो मुगलकालीन चित्रकला है ये भी अलग से प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। हालांकि ये इतने बड़े प्रश्न के रूप में नहीं पूछी जाती है कि आपको बहुत बड़ा लिखना हो, लेकिन अगर कभी आपको लगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें मुगल चित्रकला से संबंधित जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास में नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक भी है, मैं उससे भी आपको बहुत कुछ समझा सकता हूँ। लेकिन क्या है कि अब जितना बड़ा टॉपिक हो उसके हिसाब से ही बात करनी चाहिए, तो एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नितिन सिंघानिया की बुक से आपको काफ़ी डीप में पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो ला दूंगा। अकबर के काल में हिंदू और फारसी चित्रकला के मिश्रण से मुगल चित्रकला शैली का जन्म होता है। अकबर के चित्र तो एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मुगल चित्रकला या मुगल वास्तुकला क्या है, तो हिंदू और फारसी चित्रकला के मिश्रण से जो नई कला का जन्म हुआ वो मुगल चित्रकला शैली थी। अकबर के चित्रकार कौन कौन थे? वैसे तो थे बहुत सारे, लेकिन प्रमुख कौन थे? अबू समद, मीर सैयद अली, फारूक बेग, बसावंत दसवंत, सांवला दास, तारासन तथा जगन्नाथ। और ये सभी चित्रकार अलग अलग प्रकार की चित्रकारी करते थे। कोई प्रकृति की करता था, तो कोई जीव की करता था, तो कोई ब्लर टाइप की फोटो बनाता था। तो सभी के पास में अपनी अलग अलग निपुणता और अलग अलग क्वालिटी थी। तो यहाँ पर इनके चित्रकारों को ध्यान से रखना, क्योंकि नेट JRF जैसे एग्ज़ाम में भी कई बार सही जोड़ी बनाने में पूछ लेता है कि ये चित्रकार किसके काल का था और ये चित्रकार किसके काल का था। तो यहाँ पर कुछ को याद रखोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जहांगीर के चित्रकार की बात करें तो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, ये दो सबसे प्रसिद्ध इनके समय के चित्रकार थे। मुगल काल में मनुष्य, पशु, पक्षी, शाही दरबार, प्राकृतिक सौंदर्य के ही चित्र बनाए जाते थे। मुगल चित्रकार प्राकृतिक तथा बने हुए रंगों का प्रयोग करते थे। चित्रकारी के लिए कागज, चमड़ा तथा कपड़े का प्रयोग किया जाता था। राजपूत राजाओं ने जब औरंगजेब के समय से और जो शाहजहाँ थे उनके समय से मुगल चित्रकारी का पतन होना शुरू हो गया, तो जो इनके सामंत राजपूत शासक थे उन्होंने इनकी परंपराओं को जिंदा रखा और उनमें थोड़े बहुत सुधार के साथ में एक नई चित्रकारी परंपरा की शुरुआत होती है जिसे राजपूत शैली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने मुगलकालीन स्थापत्य कला को समझा और ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से इनके जो स्थापत्य कला के साथ साथ इनकी चित्रकारी परंपरा भी मुगल काल को एक अलग महत्व भारतीय इतिहास में दिलवाती है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, हेलन कैपलर कहते हैं, किसी मित्र के साथ अंधेरे में चलना रोशनी में अकेले चलने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा अच्छा दोस्त तो बनाइए जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकें और जो अंधेरे में भी आपका हाथ पकड़कर आपके साथ चल सके। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।